हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय शिंदे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जो एज अ एंटी ट्यूबरक्यूलर यूज़ किए जाते हैं और उसे याद करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूमोनिक्स भी मेंशन किए हैं। सो हेयर वी गो। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स, इंक्लूडेड फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स एंड देन न्यूअर ड्रग्स, जिसे हम मिसलेनियस ड्रग्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी द न्यूमोनिक्स फॉर इट। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए निमोनिक्स है राइप्स, सेकेंड लाइन के लिए है केप्ट एंड न्यूअर ड्रग्स के लिए है ओकरा। ओकरा एक जापनीज वर्ड है जो भिंडी के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉर लेडीज फिंगर। तो अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करें, राइप्स केप्ट ओकरा यानी कि पकने के लिए रखी हुई भिंडी। अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। सो आर इन द राइप्स इज स्टैंड फॉर रिफाम्पिन, आई स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड, पी स्टैंड फॉर पायराजिनामाइड, ई स्टैंड फॉर इथम्ब्यूटॉल, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लाइन ड्रग्स। द नेक्स्ट इज सेकेंड लाइन ड्रग, इन विच द के स्टैंड फॉर कैनामाइसिन, ई स्टैंड फॉर इथियोनामाइड, पी स्टैंड फॉर पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, टी स्टैंड फॉर टिनिडाजोन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लाइन ड्रग्स। एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस और न्यूअर ड्रग्स, इन विच ओ स्टैंड फॉर ओफ्लॉक्सोसिन, C stand for ciprofloxacin, again C stand for clarithromycin, R stand for rifampicin and A stand for azithromycin. So this is all about the miscellaneous or newer drugs and this is all about the anti-tubercular drugs. Thank you.